हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेंटर 4545 चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक चार्जर बनाएंगे जिससे मोबाइल चार्ज होगा। एसी सप्लाई से उसको हम कनेक्ट करके और आपका मोबाइल कनेक्ट करके उसके बाद मोबाइल उसे चार्ज होगा। ये हमारा 235 जे कैपेसिटर है 400 वोल्ट का। इसको मैं पीसीबी पे कनेक्ट कर लूँगा। और फिर मैं इसको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से मैं इसको सोल्ड कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने इसको लगा लिया है। और अब मैं 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस इसी के पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा। इसको भी मैं सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से मैं इसको सोल्ड कर लूँगा। इसी के पैरेलल में मैं इसको कनेक्ट करूँगा। और ये जो कैपेसिटर के दो लेग हैं, मैं इसके रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर दूंगा। ये रेजिस्टेंस 2 वाट का है, 1 मेगा ओम का 2 वाट का रेजिस्टेंस है। और ये डायोड है, मैं इस तरह के 4 डायोड यूज़ करूँगा। इससे मैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाऊँगा। इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। ये दो लगा लिए मैंने, दो और लगा लूँगा। और मैं सर्किट डायग्राम आपको दे दूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम इसका दे दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये सर्किट डायग्राम है इसका। इसी तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए इसको। और मैंने डायोड को भी सोल्ड कर लूँगा। ये मैं ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूँ। और मैं इस कैपेसिटर की एक लेग को मैं ब्रिज रेक्टिफायर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा और दूसरी लेग को मैं डायरेक्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा। और ब्रिज रेक्टिफायर का एक इनपुट मैं ब्रिज रेक्टिफायर पे दे दूंगा और दूसरा मैं कैपेसिटर पे। और ये हमारा कैपेसिटर है 1000 और 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। मैं इसके ब्रिज रेक्टिफायर के मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। पॉजिटिव वाली लेग इसकी और नेगेटिव वाली मैं नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करूँगा। कैपेसिटर में जिस तरफ एक पट्टी है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उस पर मैं कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग कनेक्ट करूँगा। और जिस तरफ पट्टी नहीं होती है, केवल ब्लैक होता है, और उस तरफ मैं कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूँगा। और इसको भी मैं सोल्ड कर लूँगा सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर रेडी हो गया है। ठीक है, ये 78012, सॉरी गाइस, मैं 78012 नहीं, मैं 78005 आईसी यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें मोबाइल चार्ज करना है, इसलिए हम 78005 आईसी यूज़ करेंगे। आईसी का इनपुट टर्मिनल मैं ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो उसका ग्राउंड है मैं आईसी के ग्राउंड का और ब्रिज रेक्टिफायर का ग्राउंड से मैं कनेक्ट कर दूंगा। और ये हीट सिंक है, मैं इसको लगा लूँगा ताकि ये हमारे आईसी हीट ना करे। इसको भी मैं टाइट कर लूँगा।
हमारा सर्किट लगभग रेडी हो गया है। और ये हमारा इनपुट इनपुट केबल है, पावर केबल है। मैं इस पे भी सोल्ड कर लूँगा सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। मैं अब इन दोनों टर्मिनल को मैं एक को मैं J235 कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे को मैं ब्रिज रेक्टिफायर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा कैपेसिटर पे है और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे है। और ये USB पिन है, मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैं इधर लेफ्ट में है जिस तरह मेरी उंगली हुई है, और IC का मैं पॉजिटिव वाला मैं इस पे राइट साइड में कनेक्ट कर दूंगा। ऊपर की तरफ जो इसकी पिन है USB पिन की वो पॉजिटिव होगी और जो नीचे है वो नेगेटिव होगी। ये वाली हमारी पॉजिटिव पिन है, इसको मैं IC के आउटपुट पिन से कनेक्ट कर दूंगा। और ये हमारा नेगेटिव है, मैं IC के नेगेटिव पिन पे इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह से कुछ हमारा सर्किट रेडी हो गया है। अब मैं इसको AC इनपुट दूंगा, 220 जो होम सप्लाई होती है, और मैं अब ये डेटा केबल इस पर इंसर्ट कर लूँगा। ये देखिए मैं एंड्रॉयड Realme 3 ये फ़ोन है, मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट हो गया, मेरा सर्किट वर्क कर रहा है। ये देखिए मैं इसको फिर से डिस्कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए चार्जिंग हो रहा है, चार्ज हो रहा है फ़ोन। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही क्रेजी इन्वेंशन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।